नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की थी जहाँ पर एग्जामिनर आपसे गलतियाँ कराता है, और इसी में मैंने एक बात कही थी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जमानत राशि के रूप में इलेक्शन लड़ने के लिए जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये जमा करते हैं, और यदि वे 1/6 मत प्राप्त नहीं करते तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब इसी के संबंध में कुछ बात बताई थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया है कि हमने जो बताया है वो कुछ अलग बताया हुआ है, तो मैं अब बता रहा हूं कि वो चीज हमने कहां से बताई थी। कहां से बताई थी? द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1992 से हमने वो जो बात बताई है वो सही बताई है। और वो बात क्या थी? हमने ये कहा था कि कुछ किताबों में, जो प्रसिद्ध किताबें हैं उनमें ये लिखा गया है कि जो ये जमानत राशि वाला 1/6 जब्त है किया जाता है वो लिखा है डाले गए मतों का। कुल जो डाले गए मत होते हैं उनका 1/6 अगर राष्ट्रपति नहीं प्राप्त करता तो उसकी जमानत राशि क्या होती है? जब्त हो जाती है। ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। क्या? डाले गए मतों का। हमने ऑप्शन के रूप में आपको इसको दिया था। सेकंड ऑप्शन हमने दिया था वैध मतों का। देखिए, जो हमारे इलेक्शन होते हैं वैध मतों का, जैसे विधायक का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, यहां पर अगर कोई कैंडिडेट कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। थर्ड हमने कहा था निश्चित कोटे का। निश्चित कोटे का, इसका मतलब हमने कहा था जो निश्चित कोटा होता है जीतने के लिए 50%+1, इसका अगर 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त होती है। और फोर्थ ऑप्शन रखा था हमने इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब हमने ये कहा था कि डाले गए मतों का 1/6 राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, साथ ही वैध मतों का 1/6 भी नहीं होता जो हमारे विधायक, सांसद, पार्षद, सरपंच चुनाव में होता है। होता क्या है? निश्चित कोटे का एक जो होता है जीतने के लिए उसको चाहिए, जो अगर उसका 1/6 प्राप्त नहीं कर सकता, इसके एग्जाम्पल के लिए हमने कहा था कि अगर टोटल 20,000 मत हैं और इनमें से 18,000 वैध मत पाए गए, इन वैध मतों में अब कोटा कितना हो जाएगा जीतने के लिए? 9,000 50%+1। तो ये जो 9,100 आया है इसका 1/6 मत अगर कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। हमने ये बताया था और इसी में आपका डाउट आया है। तो यहाँ पर देखिए, आंसर तो यही होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1992 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जीतने के लिए चाहिए उसका 1/6 प्राप्त नहीं करता तब उसकी जमानत जब्त होती है। इसको मैं आपको पॉइंट नंबर 20 में इसके दिखाता हूं कि ये बात यहां पर लिखी भी गई है। देखिए, ये बात ना केवल राष्ट्रपति के संबंध में सही है अपितु ये बात वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के समय भी सही है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी यदि कोई उम्मीदवार, देखिए ये जो पॉइंट नंबर 20 है राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में, पॉइंट नंबर 20A यहां पर लिखा है डिपॉजिट्स के संबंध में बात की गई है, और ये लिखता है इसका पॉइंट नंबर अगर आप 4 देखते हैं तो यहां लिखा है 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी टू सिक्योर द रिटर्न ऑफ ए कैंडिडेट एज सच इलेक्शन। जो उसको सिक्योर करना है उसका अगर 1/6 से अधिक मत प्राप्त नहीं करें तब उसका जो डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का एक्ट है 1992 का, ये एक्ट है और 1992 के एक्ट के अनुसार ये बात कही गई है, ना ही डाले गए मतों का ना ही वैध मतों का, जीतने के लिए जितने मत जरूरत होते हैं उसका 1/6 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही चुनावों के लिए ये बात क्या है कही गई है। ठीक, अब हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं।
पहला प्रश्न आपके पिछली क्लास के डाउट्स पे आधारित था। आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं मत मूल्य से। मत मूल्य, अब देखिए ये क्या चीज है, हम थोड़ी बातें समझेंगे फिर इसके हिसाब से देखेंगे क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए जब मत मूल्य की बात आती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य अलग अलग होता है। किनका मत मूल्य अलग अलग होगा, हमने देखा था यहाँ एक निर्वाचक मंडल था, निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे, और कौन था, जो हमारे राज्य थे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सदस्य थे, और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के निर्वाचित सदस्य, सभी जगह के क्या थे, निर्वाचित सदस्य थे। तो क्या ये निर्वाचक मंडल जो है इनका, इन सभी के मतों का मूल्य जो है समान है, जैसे कि किसी विधायक का चुनाव होता है या पार्षद का चुनाव होता है। यहां पर जो हम वोट करते हैं तो वहां पर जो मत का मूल्य होता है वो क्या होता है, एक होता है, और लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मत मूल्य अलग अलग होते हैं। देखिए हमने ये कहा था राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति गुप्त मतदान के तहत होता है, वहां पर का सिस्टम कुछ अलग तरीके से होता है, और यहाँ जो हम वोट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, यहाँ अलग, यहाँ के सिस्टम को क्या कहा जाता है, यहाँ के सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। आप जानते होंगे कि जो विधायक के चुनाव में जो विधायक जो भी उम्मीदवार होता है वह जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर ले जाता है वह क्या होता है, जीत जाता है। अगर मैं कहूं कि 100 मतदाता हैं और 100 मतदाता थे और 25 कैंडिडेट खड़े हुए थे और इनमें से अगर 23 को 4 वोट मिले हुए हैं, 1 को 3 वोट मिला है और 1 कैंडिडेट को कितने 5 वोट भी मिले हुए हैं, तो सबसे ज्यादा अगर 5 वोट किसी को मिले हैं तब पर भी क्या हो जाएगा, ये उम्मीदवार जीत जाएगा। कहां, यहां पर विधायक के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, यहां जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देती है और जो उम्मीदवार जितने खड़े हुए हैं चुनाव में उनमें से जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेगा वो क्या होगा, वो चुनाव जीत जाएगा। बट हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था कि क्या होता है, एक निश्चित कोटा होता है और वो कोटा क्या है, 50%+1 का, और ये कौन सी पद्धति है, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें उसको ये कोटा कंप्लीट करना पड़ता है और जो कैंडिडेट इसको कंप्लीट करता है वही राष्ट्रपति बनता है। और यहां मत मूल्य अलग अलग होते हैं, किसके मत मूल्य अलग अलग होंगे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के मत मूल्य, यहां पर जो विधायक हैं उनके मत मूल्यों से अलग होगा, यहां तक कि प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य भी अलग अलग होगा। अब इस मत मूल्य को निकाला कैसे जाता है, तो हम निकालते हैं एक विधायक के मत मूल्य। अगर किसी विधायक का मत मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, उस प्रदेश की, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या और इस वैल्यू को छोटा करने के लिए हम कहते हैं 1/1000। ये क्या है, एक फॉर्मूला है एक विधायक का मत मूल्य निकालने का। देखिए अगर हम किसी पर्टिकुलर राज्य को देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ हम देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या यहाँ पर निर्वाचित विधायकों की संख्या ×1/1000 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकल के आएगा। और ये ध्यान रखे जाने वाली बात है, ये जो जनसंख्या होती है वह 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 में जो जनगणना हुई थी और जो जनसंख्या आई थी वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, और ये कब तक ऐसा होता रहेगा, 2026 तक इसी के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ठीक। और इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 129 निकल के आता है। अगर आप सिक्किम को देखें, हमारे भारत का एक राज्य है, वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली है,
और वहां विधायक हैं, वहां के एक विधायक का मत मूल्य आता है 7। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकल के आता है 208। तो आप ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विधायक का मत मूल्य, सिक्किम के विधायक का मत मूल्य और उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य अलग अलग आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मत मूल्य क्या हो रहे हैं, हमको निकालना पड़ता है। एक सवाल यहां और बन सकता है कि जो ये 129 आया है, छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य आया है, तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां के विधायकों का मत मूल्य भी छत्तीसगढ़ के विधायकों के मत मूल्य के बराबर है राष्ट्रपति चुनाव में अगर देखा जाए तो? तो आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अब मैं बताऊं तो ये है राजस्थान, भारत का एक राज्य है। राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य और छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य एक समान है। अब देखिए ये बेसिक बातें हैं, आप समझ गए होंगे। अब छोटा सा एक प्रश्न पूछूं मैं कि प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग क्यों आता है? तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक आपका आंसर होगा, क्योंकि राज्य की जनसंख्या, राज्य की जो जनसंख्या है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन दूसरी बात भी इसके साथ सही है कि निर्वाचित जो विधायक हैं, निर्वाचित विधायक हैं जो, उनकी संख्या भी क्या है, उनकी संख्या भी अलग अलग है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसा ही आपने देखा राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है इसलिए राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, आप इसको टिक कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या अलग अलग है तब पर भी अलग वैल्यू आएगी, और निर्वाचित विधायकों की संख्या अलग 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 है तब पर भी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अलग आएगी। तो भारत में कोई भी राज्य है वहां के विधायकों का जो मत मूल्य होता है वो अलग अलग है। अब यहां पे आता है कि क्या भारत में जो सांसद हैं, जैसे कि अगर कोई सांसद छत्तीसगढ़ का एक सांसद है, छत्तीसगढ़ का सांसद, और अगर सिक्किम का एक सांसद है, तो क्या सिक्किम के सांसद और छत्तीसगढ़ के सांसद का मत मूल्य अलग अलग होगा कि समान होगा? तो इसके संबंध में अगर हम देखें तो एक सांसद का मत मूल्य हमको निकालना पड़ेगा, हमको निकालना है अब सांसद का मत मूल्य। तो अगर आप सांसद का मत मूल्य निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य निकालने होते हैं। जैसे हमने कहा 129 क्या है, छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य है और 90 टोटल विधायक हैं, तो क्या वैल्यू आ गई, मान लेते हैं एक वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और एक वैल्यू निकाली जाएगी, मान लेते हैं वैल्यू क्या आई, टी वैल्यू आई। तो सभी राज्यों के विधायकों का जो कुल मत होगा, कुल मत मूल्य होगा, सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, मतलब भारत के सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य, अब इसको भाग किससे देंगे, संसद, संसद, संसद के कुल निर्वाचित, कुल निर्वाचित सदस्य से। यहां से निकल के आएगा एक सांसद का मत मूल्य। अब संसद के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हो जाएंगे, 543, कहां से, लोकसभा से, और 233 कहां से, राज्यसभा से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 677, 776 से जो टोटल वैल्यू आएगी उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक सांसद के मत का मूल्य निकल के आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो वैल्यू प्राप्त हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 708। द्रौपदी मुर्मू जी का जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति के रूप में तो एक सांसद का मत मूल्य था 700, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वो भंग थी और उनके विधायकों का मत मूल्य क्या हुआ, नहीं जोड़ा गया था, तो ये वैल्यू छोटी आई, और ये वैल्यू छोटी आई तो ये वैल्यू क्या हो गई, अपने आप छोटी हो गई। इसलिए जब द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ तो एक सांसद का मत मूल्य कितना था, 700। अब देखिए हमने यहां क्या निकाला है, सांसद का मत मूल्य निकाल लिया है, तो छत्तीसगढ़ का सांसद हो
या फिर सिक्किम का सांसद हो, दोनों के मत मूल्य समान होंगे। वह सांसद चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसका मत मूल्य क्या होगा? समान होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ जरूरी बात थी। अब देखिए, अब एक बात और समझते हैं हम। मैं आपसे प्रश्न के रूप में रखता हूं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। शपथ के संबंध में एक चीज है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब कौन दिलाएगा? तो ये हम कहते हैं जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? वो राष्ट्रपति को चुनाव शपथ दिलाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर मैं प्रश्न में आपसे पूछूं कि अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? भारतीय संविधान, ये कहां उल्लेखित है? ये कहां उल्लेखित है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में क्या यह बात उल्लेखित है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा? या ये व्यवहार में आ चुका है हमारे व्यवहार में, या कहां पर? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये बात कही गई 1951 का एक्ट है उसमें बात की गई है, या इनमें से किसी में नहीं ये बात की गई है? ये बात लिखी कहां गई है कि ज्येष्ठतम न्यायाधीश ही क्या कराएगा? वो शपथ दिलाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, ये जो बात लिखी गई है हमको लगता है सामान्य रूप से हम जानते हैं। ये बात कहां लिखी गई है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 60 में ये बात लिखी गई है कि अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। देखिए, बात ऐसी है कि हमें पता होता है चीज, लेकिन जब ये पूछता है कि संविधान में ये बात लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, तो हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये बात लिखी गई है। राष्ट्रपति के संबंध में एक चीज, शपथ के संबंध में एक चीज और है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न के रूप में रखता हूं भारत का राष्ट्रपति इनमें से कौन सी शपथ नहीं लेता? पद एवं गोपनीयता की, पद एवं गोपनीयता की, सेकंड अपने कर्तव्यों के निर्वहन के, कर्तव्यों के निर्वहन के, थर्ड मैं बोलता हूं जनता की सेवा की, जनता की सेवा, और फोर्थ आपको देता हूं संविधान के संरक्षण की। ये आपके पास संविधान के संरक्षण की। अब इनमें तना कौन सी शपथ भारत का राष्ट्रपति नहीं लेता? आप जब तक इसको बना रहे हैं तब तक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत के जो संवैधानिक पद हैं, जो भारत में संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद, जैसे कि अगर कोई मंत्री है या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या राज्य में कोई मंत्री है या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं, इन सब की शपथ का उल्लेख कहां किया गया है? तो भारत के संविधान में ना होके इनका कहां है? भारत में जो अनुसूची बनी है, शेड्यूल, अनुसूची, अनुसूची तीन में सभी के शपथ का उल्लेख किया गया है। कहां किया गया है? शेड्यूल थ्री में संवैधानिक पदों में जो व्यक्ति हैं उनके शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात इस अनुसूची तीन में, इनके शपथ के बारे में बात नहीं की गई है। कहाँ की गई है आपसे प्रश्न पूछे? भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात अनुसूची तीन में है, संविधान में है, किसी एक्ट में है, तो कहाँ है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगी, ना कि अनुसूची तीन में। जबकि मंत्री की शपथ आपको अनुसूची तीन में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य के मंत्री की, कैग की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, सभी की
जो शपथ मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, अनुसूची 3 में मिलेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप इसका आंसर करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति इनमें से कौन सी शपथ नहीं लेता। देखिए, जो मंत्री होते हैं ना, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति लेता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन की, जनता की सेवा की और संविधान के संरक्षण की। संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का और डिफेंड करने की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। तो इन बातों को भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहीं पे एग्जामिनर आपसे क्या करता है, गलत कराने का प्रयास करता है। एक और बात है कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है? विशेषाधिकार। भारत के संविधान के आर्टिकल 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो क्या राष्ट्रपति बस को प्राप्त है कि और किसी को प्राप्त है? तो राज्यपाल महोदय को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त है। एक और पद होता है उपराज्यपाल। तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि क्या भारत के संविधान में भारत के उपराज्यपाल का वर्णन है? आप बताएंगे, क्या भारत के उपराज्यपाल का संविधान में वर्णन है? तो उत्तर है हाँ, वर्णन है। आर्टिकल 239AA, जहां पर दिल्ली पांडिचेरी में क्या कर रहे हो आप, विधानसभा बनाते हैं और वहां बताते हैं कि वहां कौन होगा, भारत का एक उपराज्यपाल होगा। मतलब इन प्रदेशों में, दिल्ली में क्या होगा, एक उपराज्यपाल होगा, ये बताया गया है। तो उपराज्यपाल का पद होता है, पर क्या इसको ये विशेषाधिकार प्राप्त है? तो उपराज्यपाल के संबंध में विशेषाधिकार पे बात नहीं की गई है। उपराज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। किनको प्राप्त है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। और ये विशेषाधिकार क्या है कि जो अदालत की कार्यवाही है, अदालत की कार्यवाही, कार्यवाहियों से इनको क्या है, छूट है। इनको कोई अदालत बुला नहीं सकती है। और यहां तक कि दीवानी मामलों में भी, दीवानी मामलों में भी अगर इनसे पूछताछ करनी है तो 2 महीने पूर्व इनको क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा तभी। तो ये क्या है, इनके पास विशेषाधिकार है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। तो ये भी बातें आप याद रखेंगे। उपराज्यपाल का पद संविधान में वर्णित है, इसको विशेषाधिकार के बारे में बात आर्टिकल 361 में नहीं की गई है। ठीक। अब एक और कॉमन बहुत बात है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। देखिए, मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, उन्हीं बातों पर फोकस कर रहा हूं जहां पर एग्जामिनर आपसे गलतियां कराता है, कंफ्यूज करता है, आपको ऑप्शंस में घुमाने का प्रयास करता है। तो हम उन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कहां बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और कार्यकाल बताया गया है 5 वर्ष। तो अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो कितने कार्यकाल के लिए बनेगा, कितने वर्षों के लिए बनेगा। अब हम सामान्य रूप से जानते हैं कि कोई विधायक अगर है, अगर विधायक की मृत्यु हो गई, सरपंच की मृत्यु हो गई, सांसद की मृत्यु हो गई, तो जो नया विधायक बनेगा वो क्या कब कितने दिन के लिए बनेगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो बनता है वो कितने दिन के लिए बनता है, वो बनता है पूर्ण कार्यकाल के लिए, पूर्ण कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है। यानी अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और कोई दूसरा राष्ट्रपति बनता है तो वह भी कितने दिन के लिए बनेगा, वह भी 5 वर्षों के लिए बनेगा। तो यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल होता है। अब यहां पर एक बात और समझने लायक है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, क्या वह रीइलेक्ट हो सकता है, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है।
कितनी बार हो सकता है? दो बार, तीन बार या कितनी बार भी? बार भी। या फिर संविधान क्या है यहाँ पर? संविधान मौन है। इसका आंसर आप करेंगे क्या भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कौन सी बात है कि दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है और संविधान इस संबंध में मौन है। क्या संविधान के आर्टिकल में उल्लेख है कि कितनी बार चुनाव होगा? देखिए तो हां, यहां संविधान मौन नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार भी क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ये संविधान में लिखी गई बात है। तो आप इन छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, ये कहा जा सकता है कि नहीं, कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, संविधान में बात लिखी है कि नहीं लिखी है, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो हाँ, ये बात लिखी गई है संविधान में। तो कुछ इसी तरीके के जो बेसिक फैक्ट हैं, हम उन पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।